आता है तो सेंटर में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है गॉजरेन के लिए। और अभी सेंटर होल्ड करना मतलब हर तरफ से शॉट्स आ सकते हैं यहां पर। आरटीजीआईएनडी ये प्लेयर्स रेकनिंग के ऊपर हावी होने के लिए आए थे। एक एक खिलाड़ी दोनों साइड से डाउन हुआ, बट अब आरटीजीआईएनडी का बैकअप जो है वो आ चुका है। और अब रीडोन और रैल्फी कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेयर्स को भी खत्म किया जाए, लेकिन उन्हें जोन में मूव करना है। एचपी जा रही है, ऐसे में रीडोन हील करने के लिए ही बस रह जाएंगे। व्हीकल आया और बीच में से चला गया, कैसे वो खिलाड़ी बचा है ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर रेडॉन वो भी नॉक करे गए, उनका जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। पर राल्फी उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है ग्राविटी जॉट के ऊपर, लॉबस्टर प्लेजून का शिकार हुए। पर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स मोगो के द्वारा उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वो 7 फिनिशर्स ले जा पाए पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। इंसीडियस उन्होंने भी वहां पर एक नॉक निकाला तो सही है। चार जी उनका जो एलिमिनेशन है शायद वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिले। एकमात्र खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ 20, उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया। RTGX INT उनका भी एलिमिनेशन और अब वो फिनिश स्पीड रुकने से रहा। पर टीम लॉल एक लौती ऐसी टीम है ओशन जो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देगी और उनके पास वो 3 खिलाड़ी भी। टीम लॉल्स पॉइंट्स निकालने बहुत ज्यादा जरूरी और अच्छे पॉइंट्स निकालने और ज्यादा जरूरी। आइकुसोल के लिए भी उतना ही जरूरी यहां पर पॉइंट्स बटोरना, लेकिन उनके ऊपर नजरें हैं टीम लॉल्स की साइडलाइन से रेकनिंग के खिलाड़ियों की। इन दोनों टीम्स को सर्कल के अंदर एंटर करना है। सेंटर में गए तो हर तरफ से नजरें होंगी, साइड लाइन्स एजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइपर गॉजरेन के खिलाड़ियों को धीरे धीरे देख रहे हैं, उनके सामने कहर बरपाते हुए। और गॉजरेन से भी सर्कल छिन चुका है, लेकिन अब यह मौका है जोन के अंदर मूव करने का, एज के एरिया को हटाने का। नकुल की एचपी काफी ज्यादा कम, स्मोक के एरिया के अंदर वो हील करते नजर आएंगे। निंजा जॉट का भी कवर उनको मिलता हुआ, लेकिन सामने संचित अपनी टीम के लिए अभी भी अटल खड़े हैं। टीम ब्लाइंड वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ग्रेनेड वो उतना दूरी तय करेगा नहीं। संचित उनके भी करीबी में वो ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा पर संचित का ग्रेनेड वो दूर तक नहीं आ पाया। पर इस पावर उनका वो जो फिनिश था वो गॉड्स रेन ने निकाला है। डेल्टा पीजी उनका एलिमिनेशन हुआ और संचित जवाखड़ी खिलाड़ी बचे हुए थे। और मैं कह भी रहा था कि ब्लाइंड वो पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं और संचित को देख लिया गया। पर VXT वर्सेस गॉड्स रेन उनके बीच में फाइट, वेनम बचते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी अल्टू डाउन है, फ्यूरी उनको भी डाउन करा गया, एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीबी वो मामला। और आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी वेनम उनका भी एलिमिनेशन, पर टीम रेकनिंग उन्होंने इस फाइट से ज्यादा फायदा उठाया है। 5 टीमें 12 खिलाड़ी जीवित, पहला चिकन डिनर आज के दिन का, हर चीज दांव पर। बट हैदराबाद हाइड्रास ये मैन मेड रेड जोन वर्सिटाइल की सारी वर्सिटैलिटी और यूटिलिटी को अधूरा छोड़ता हुआ। अब हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर ब्लाइंड का ये कहर बढ़ सकता है, लेकिन रिवाइवल्स देने हैं अपने टीममेट्स को। और हैदराबाद हाइड्रास सोचिए एक समय पर ये टीम गलतियां कर रही थी और अब ये भी चिकन डिनर के दावेदार बने हुए हैं। देखिए गलतियां करने के बाद अगर सुधार तुरंत करा जाए तो कोई भी मलाल उनको होगा भी नहीं। और आप देखिए तो सही कि 8 फिनिशर्स उनके पास आ चुके हैं और जोन के सबसे करीब हैदराबाद हाइड्रास आपको दिखाई देगी। आइकुसोल कल का दिन उनके लिए बहुत खराब था, आज के दिन पे वो जो 6 फिनिशेज है उस टीम ने निकाले हैं, 4th पायदान। अगर यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो भी वो 10 टोटल अंक लेकर जाने वाले। पर नोवा उनको भी देख लिया गया। इंसीडियस बाईजिन का इस्तेमाल वो आखिरी सेकंड्स में करता हुआ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनिशियल लूट तो उन्होंने करी ही नहीं थी। बाईजिन के साथ अगर आप S12K का इस्तेमाल करते हैं तो समझना पड़ेगा कि वो जो बुलेट्स है वो उनके पास कितनी है, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी सी कमी हो सकती है उनके लिए। पर टीम रेकनिंग वाइपर वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी और वो टर्मी थे जिन्होंने उनको देख लिया, यानी हैदराबाद हाइड्रास वो गलती करने के बाद दोबारा उन्होंने गलती नहीं करी, 11 फिनिशेस निकाले। हैदराबाद हाइड्रास पे मैन एडवांटेज है, उनपे सर्कल है और आइकुसोल यहां पर ये विन चाहती है। दोनों टीम्स के लिए ये जीत बहुत जरूरी। सोल का बैटमैन उन्हें डाउन किया जाएगा, निंजा जॉर्ड बचे हुए इकलौते खिलाड़ी, ग्रेनेड्स की वर्षा फिर से होती हुई। हैदराबाद हाइड्रास चिकन को पक्का ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके मुंह से ये निवाला छीन करके निंजा जॉर्ड अपने पास ये चिकन डिनर लेकर के आ पाएंगे। ये ग्रेनेड हैदराबाद हाइड्रास।